नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के बारे में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिज एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। बहुत प्रकार के ब्रिज होते हैं और उसके फंक्शन के आधार पे हम ब्रिज का जानेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू द स्पान लेंथ। कलवर्ट टेक्निकली द ओनली डिफरेंस इज द लेंथ। कलवर्ट्स आर अप टू 6 मीटर लेंथ। 1 मीटर से 6 मीटर का जो बीच स्पान लेंथ होता है वो कलवर्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा है एम एन बी माइनर ब्रिज। द स्पान रेंज फ्रॉम 6 मीटर टू 60 मीटर इज कॉल्ड एम एन बी। सी नंबर है एम जे बी मेजर ब्रिज। द स्पान रेंज फ्रॉम 60 मीटर टू 120 मीटर इज कॉल्ड एम जे बी। लॉन्गर स्पान ब्रिज। स्पान लॉन्गर देन 120 मीटर इज कॉल्ड लॉन्ग स्पान ब्रिज। दूसरा है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्पान। पहला सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। व्हेन द ब्रिज आर सिंपली सपोर्टेड ऑन पियर्स इट इज कॉल्ड सिंपली अ फ्रीली सपोर्टेड ब्रिज। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें दो सपोर्ट लगा हुआ है दोनों एंड पे, उसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस ब्रिज। व्हेन द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज इज कंटिन्यूअस ओवर मोर देन टू सपोर्ट इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रिज। जब दो सपोर्ट से ज़्यादा किसी भी ब्रिज में पियर रहता है उसे हम कंटिन्यूअस ब्रिज बोलते हैं। कैंटिलीवर ब्रिज। इफ ए ब्रिज इज फिक्स्ड एट वन एंड वाइल अदर एंड इज फ्री इट इज कॉल्ड कैंटिलीवर। जैसा कि आप देख सकते हैं, वन एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फ्री है, इसको हम कैंटिलीवर ब्रिज। बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज। ए बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए स्पान सिंपली सपोर्टेड ओवर कैंटिलीवर इज कॉल्ड बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज। तीसरा नंबर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट। पहला है ए स्ट्रेट अलाइनमेंट। व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ ए ब्रिज इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ ए रिवर इट इज कॉल्ड स्ट्रेट ब्रिज। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हाईवे है और ये रिवर है, इसके ऊपर ब्रिज बन रहा है। तो सेंटर लाइन ऑफ ए रोड सेंटर लाइन ऑफ ए रिवर के जस्ट परपेंडिकुलर है। इस तरह के ब्रिज को हम स्ट्रेट अलाइनमेंट ब्रिज बोलते हैं। दूसरा है एस्क्यू ब्रिज। व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ ए ब्रिज इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड एस्क्यू ब्रिज। इस फिगर में देख सकते हैं, सेंटर लाइन ऑफ ए रिवर सेंटर लाइन ऑफ ए रोड के परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें एंगल का जो झुकाव है इसी को हम एस्क्यू ब्रिज बोलते हैं। और ये जो ब्रिज है कितना डिग्री पे एज पर ड्राइंग के अनुसार दिया रहता है, 19 डिग्री के है, 65 डिग्री। चौथा टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज बेस्ड ऑन पर्पस। पहला एक्वाडक्ट। इट इज ए स्मॉल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर ए स्ट्रीम व्हिच रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट। जो छोटे ब्रिज होते हैं वो एक्वाडक्ट के कैटेगरी में आता है, और जिसका मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर ड्राई रहता है। एक्वाडक्ट में जो वेंट हाइट है वो लेस देन 10 मीटर होता है, और एक्वाडक्ट मेनली नहर या कैनाल वगैरह पे बनाया जाता है। बायडक्ट। इट इज ए लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर विच कैरीज ए रोड या रेलवे लाइव ब्रिज ओवर ड्राई वैली कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्पान इज कॉल्ड बायोडक्ट। बायोडक्ट के कैटेगरी में
लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर आते हैं जो हाई वैली या रेलवे पोर्शन में कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्पान में ब्रिजेज बने रहते हैं, वो बायडक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग को देख सकते हैं, ये बायडक्ट नंबर 7 है हमारे प्रोजेक्ट का। ये इसका टोटल लेंथ है 377.05 मीटर। इसमें जो पियर का हाइट दिया हुआ है 36 मीटर है, किसी का 32 मीटर है, 33 मीटर, 40, 45 मीटर। तो ये एक लॉन्ग ब्रिज है और कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्पान है, इसे हम बायडक्ट बोलते हैं। बायडक्ट ज़्यादा वैली साइड में होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका ये बायडक्ट बनाया जाता है, और रेलवे पोर्शन को भी हम जो कंटिन्यूअस स्पान होता है वो बायडक्ट के अंतर्गत आता है, जिसका जो वेंट हाइट है वो 10 मीटर से ज़्यादा रहता है, उसको हम बायडक्ट बोलते हैं। आज इस फिगर से क्लियर हो जाएगा। सी नंबर, ग्रिड सेपरेटर। व्हेन टू रोड क्रॉस ईच अदर एंड देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस इन देयर फॉर्मेशन लेवल विच इज नोन एज ग्रेड सेपरेटर। जब दो रोड एक दूसरे को क्रॉस करता है, कंसिडरेबल डिफरेंस रहता है दोनों रोड के फॉर्मेशन लेवल में, जिससे कि व्हीकिल का मूवमेंट आसानी से हो सके, इस टाइप के जो रोड होते हैं उसको ग्रेड सेपरेटर ब्रिज बोला जाता है, या ग्रेड सेपरेटर रोड बोलते हैं। नेक्स्ट है हाईवे ब्रिज। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रोडवे फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकिल। रेलवे ब्रिज। इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द रेलवे फुट ब्रिज। इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर पेडेस्ट्रियन साइकिल्स एंड एनिमल्स। ये टाइप्स ऑफ ब्रिज है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन पर्पस। 5, अकॉर्डिंग टू HFL मीन्स हाई फ्लड लेवल। पहला है सबमर्सिबल ब्रिज या कॉजवे, ए रोड व्हिच अलाउ फ्लड टू पास ओवर इट। इट मे और मे नॉट हैव ओपनिंग या वेंट फॉर लो वाटर टू फ्लो। कॉजवे एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर से पानी फ्लो होता है, और इसका वेंट हाइट होता भी है और नहीं भी होता है। नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज फॉर्मेशन लेवल इज केप्ट अबव द HFL सो दैट मैक्सिमम फ्लड डज नॉट अफेक्ट द ट्रैफिक ऑन द ब्रिज। इसमें जो HFL होता है वो फॉर्मेशन लेवल के नीचे रहता है, जिससे कि ट्रैफिक अफेक्ट नहीं होता है नॉन सबमर्सिबल ब्रिज में। 6 नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज्ड के अनुसार जो ब्रिज है, पहला टिम्बर ब्रिज, स्टोन ब्रिज, RCC ब्रिज, स्टील ब्रिज, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज, कंपोजिट ब्रिज। मटेरियल यूज्ड के अनुसार ये सारे ब्रिज हो गए। अब 7 नंबर है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन के अनुसार जो ब्रिज का टाइप्स है, स्लैब ब्रिज, गडर ब्रिज, ट्रस ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गडर ब्रिज है, RCC गडर ब्रिज है ये। एक और एग्जांपल RCC वॉइडेड स्लैब का, ये गडर का ब्रिज है। इस टाइप के ब्रिज होते हैं।